आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में हुआ प्री दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन। स्थानीय एमएलए अजय सोलंकी ने रोटरी क्लब के सौजन्य से छात्रों को वितरित किए गिफ्ट। विधायक ने सीएम सुक्खू की सुखाश्रय योजना का जिक्र करते हुए जल्द उनके पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना भी की। दिव्यांग छात्रों द्वारा प्रस्तुत सिरमौरी नाटी व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में मौजूद आस्था स्पेशल स्कूल में आज प्री दिवाली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल के दिव्यांग छात्रों द्वारा प्रस्तुत सिरमौरी नाटी व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दर्शकों ने जमकर सराहना की। पूर्व दीपावली कार्यक्रम में एक तरफ जहां स्पेशल चाइल्ड द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वहीं कार्यक्रम को होस्ट करने तथा एंकरिंग जैसे काम भी स्पेशल चिल्ड्रन द्वारा किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए स्थानीय कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने रोटरी क्लब के सौजन्य से दिव्यांग छात्रों को दिवाली के उपहार भी भेंट किए। हिमाचल सरकार की सुखाश्रय योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू दिव्यांग बच्चों के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं और उनकी सरकार ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट मानकर इनका पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा वहन करेगी। इस अवसर पर उन्होंने पिछले 2 सप्ताह से बीमार चल रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की भी कामना की। अनाथ बच्चों को लेके इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसी बात से कि सरकार पहली योजना ही इनके लिए शुरू कर रही है सुकाश्य योजना के नाम से, और हर सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में, रहने के क्षेत्र में और हर फेस्टिवल में इनको पॉकेट मनी दी जाएगी, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बहुत ऊँची सोच है, तो पता नहीं और भी क्या करना चाहते हैं। भगवान उनका स्वास्थ्य लाभ दे जल्दी से जल्दी, उनको उनको लंबी उम्र दे ताकि वो इसी तरह से जो है स्पेशल चिल्ड्रन को जो है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बनाया, अनाथ हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी सोच है और उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो सोच है, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े कि इससे ना केवल अनाथ बच्चे, ना केवल स्पेशल चिल्ड्रन, हर वर्ग समाज का जो है इनकी योजनाओं से लाभान्वित हो, ऐसी हम कामना करते हैं।